इसका उतावल तीय शिरोमणि सीए तजी पावेंगे। कल उपाय धही है धर्म धुरंधर बंधु तुझो पुर लोगन की विधि बोली कही है। किस निशाचर की करनी न सुनी न विलोकिन चित रही है। राम सदा शरणागत की अनेक हुने से सुबाय सही है। जिन्हों ने अग्नि की अपवित्रता अधाकता को भी जला डाला अर्थात जिनका पवित्र स्पर्श पाकर अग्नि भी पवित्र और शीतल हो गई ऐसे नारी श्रोमणि जान कीजिए को भी उन्होंने लोक पवाद सुनकर त्याग दिया। यही नहीं अपने धर्म धुरंधर बंधु लक्ष्मण जी को भी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए त्याग दिया और पुरजनों को बुलाकर कर्तव्य का उपदेश दिया। किंतु बंदर शुक्र आदि और राक्षस विभीषण आदि की करनी भ्रात बंधु से भोग को न तो सुना न देखा और न चित में ही रखा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने अपने शरणागतों के क्रोध उत्पन्न करने वाली बात और अनुचित वर्ताओं को भी सदा स्वभाव से ही सहा है। अपराध अकाद भय जनते अपने उर अनत नाहिन जू गण कागज गीध अजा मिल के गण पात पुंज सिराही न जू लिए बारक नाम सुराम दियो जय धाम वहाँ मुनि राह न जू तुलसी भज दीन दयालु रे रघुनाथ ही अनाथ ही राय नन। सेवकों से भारी भारी अपराध हो जाने पर भी आप उन्हें अपने मन में नहीं लाते उन पर ध्यान नहीं देते। गणका गजोर गीत और अदा मिलके पातक पुण्य गिनने पर समान होने वाले नहीं थे किंतु ने एक बार नाम लेने से भी वह परम धाम दिया जिसमें महामुनि भी नहीं जा सकते। गोस्वा जी अपने से ही कहते हैं कि अरे तुलसीदास दीनदयाल श्री रामचंद्र का भुज वे अनाथों के अनुकूल सहायक है। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा प्रगटे नर के हरे सिंह महो जस राज गिशो गज राज कृपा तत्काल विलंब की ओ न तहाँ सुर साख दे राखी है पाटू बंद लूटत कोटिक भूप जहाँ तुलसी भज सोच विमोचन को जन कोपन राम न राख कहा। भगवान ने प्रहलाद के वचन का सत्य किया और महान खंभे के बीच में से नरसिंह रूप प्रकट हुए। जब ग्रह ने गज को पकड़ा तो तत्काल ही कृपा की जरा सी भी विलंब नहीं किया। करोड़ों राजा उनके सामने जिसका वस्त्र लूटा जा रहा था उस द्रौपदी की देवताओं को साक्षी बनाकर रक्षा की। गोस्वामी जी अपने से ही कहते हैं कि अरे तुलसीदास शोक से सुनाने वाले श्री रामचंद्र जी को भज नर नारी उधारी सभा में हो तो दियो पर सोच हरियो मन को प्रहलाद विषाद निवारण भारण तारण मीत या कारण को जो कहो तो दीन दयाल सही जय भारु सदा अपने पन को तुलसी त्ञान भरोस बजे भगवान भलो करिए जन सज्जनों। नर्वतार अर्जुन की स्त्री द्रौपदी सभा में नंगी की जा रही थी उसे वस्त्र देखकर उसके मन को सोच देने का सोच दूर किया। जो प्रहलाद के दुख को दूर करने वाले गज को बचाने वाले बिना कारण के मित्र और सच्चे दीनदयाल कहलाते हैं जिनको अपने प्रण का सदा भार ध्यान रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरुओं का भरोसा त्याग कर उन भगवान का भजन करने से वे अपने दास का भला करेंगे ही। रिपिनार उधार की ओ सठ के वट मीत पुनीत सुकृत लही निज लोक दियो सब रीख को कपिथा प्यो सोम आसुम है सब ही। दस शीश विरोध सबित विवक्षण भूप क्यों जगली कर ही करुणा निध को भजुरे तुलसे रघुनाथ अनाथ न के नाथ सु। भगवान राम जिसी गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया और दुष्ट केवट को मित्र बनाकर पवित्र कर दिया और इस प्रकार सुकृति प्राप्त की सबरी और गीत को अपना लोक दी और सुग्रीव को राज्य पुरस्कृत किया। सो सबको मालूम ही है रावण के विरोध से डरे हुए विभक्ष को राजा बनाया जिसने उनकी कीर्ति संसार में छा गई। गोस्वामी जी कहते हैं अरे तुलसीदास करुणा ने जिस रामचंद्र जी को भज वे अनाथों के सच्चे स्वामी हैं। जय श्री कृष्णा राधे राधे।